प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ प्रभजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग ऑटो बादशाह चैनल। तो दोस्तों, कल रात को मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी इंस्टाग्राम के थ्रू, और उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी अपनी बाइक की, जो कि सिर्फ 1000 किलोमीटर पहले ही सर्विस हुई थी। और उनको जब मैंने पूछा कि यार इतनी ज़्यादा आवाज़ कैसे है, और उनकी बाइक सिर्फ आई थिंक 16,000 किलोमीटर चली है, तो उसमें जो जो चीज़ें आ रही थी, मैं अभी आपको वीडियो दिखा दूंगा। एक तो डिकम्प्रेसर का साउंड था, और उसके बाद उसमें टैपेट साउंड था, और एक हल्की सी हमिंग साउंड आ रही थी, जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी ऑयल की तरफ, कि ऑयल उसमें अच्छा नहीं यूज़ किया हुआ, या फिर उसके अंदर से ऑयल पूरा नहीं निकाला गया। अब दिक्कत क्या हुई है गाइस सर्विस के दौरान, ये तो मैकेनिक ही जानता है, लेकिन जो उनसे बात करके मुझे फील हुआ कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, तो उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा और सब आपको चीज़ भी बताऊंगा सर्विस के दौरान, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करवानी ही करवानी है आपने, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनका टाइम इंटरवल भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हर सर्विस पे करवानी पड़ेगी। अब वो टाइम इंटरवल्स में क्या डिफरेंस है, पूरा एक आपको बताऊंगा कि सर्विस में ये चीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, जो अभी आपने वीडियो देखी वो उनकी बाइक का साउंड था, जो कि सिर्फ 1000 किलोमीटर पहले सर्विस हुई है। और उनसे बात करके मुझे पता लगा कि एक तो ऑयल जो है मैकेनिक ने थोड़ा सा वापस कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों वापस किया उसने, क्योंकि 2.5 लीटर की पैकिंग आती है। चलो, तो हो सकता है मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत इस रिगार्डिंग नहीं हुई, 3 लीटर भी था, तो उसमें से अब ऑयल प्रॉपर निकला कि नहीं निकला मुझे नहीं पता। और उसके बाद उसके कार्बोरेटर रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछे, तो यही सुनने में आया कि भाई कार्बोरेटर आज तक खुला ही नहीं है बाइक का, और कार्बोरेटर नहीं खुला तो फिर डिकम्प्रेसर का साउंड आएगा, क्योंकि ट्यूनिंग बिगड़ेगी तो बार बार आरपीएम अप डाउन जाएगा। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जो कि हर सर्विस में करानी ही करानी है, और आपको टाइम इंटरवल भी बताऊंगा कि कितनी देर बाद कौन सी चीज़ ऐसी है जो करानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आपका ध्यान ऑयल की तरफ देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी रॉयल एनफील्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर ही चलता है पूरा इंजन। कोई हमारी बाइक जो है आरी की हिमालया है, जो कि ऑयल कूल्ड है, और अभी इंटरसेप्टर आई है जो ऑयल कूल्ड है, उसके अलावा कोई भी बाइक ऑयल कूल नहीं है। तो प्लीज़ इसके ऑयल की तरफ ध्यान दीजिए, मेन वही है, टैपेट्स हाइड्रोलिक हैं, ऑयल सही नहीं डलेगा, या फिर अगर अंदर कंटेमिनेशन होगी तो टैपेट्स आवाज़ करेंगे। ऑयल की तरफ ध्यान दीजिए। अब ऑयल में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि गल्फ का डलवाइए, अगर गल्फ नहीं मिलता तो यूरो ऑयल डलवाइए, और अगर आपको वो भी नहीं मिलता और आप कोई और डलवाना चाहते हैं, तो उसके साथ एडिटिव्स ज़रूर यूज़ कीजिए। एडिटिव्स जो होते हैं गाइस, वो बहुत ही काम की चीज़ है। एडिटिव डालिए ही डालिए, हर सर्विस में डालिए, एडिटिव डलने ही डलने हैं बाइक में। एडिटिव जो होते हैं, अगर मैं एक लोकल से लोकल एडिटिव भी बात करूँ ना, तो वो भी 1000 से 1200 रुपये प्रति लीटर की कॉस्ट पे आता है। और अगर हम उस एडिटिव की रॉयल एनफील्ड में 150 ml एडिटिव वो डाल देना, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप खुद अगर डाल के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये तो होगी ऑयल की बात। दूसरी चीज, ऑयल के फिल्टर्स जरूर क्लीन करने हैं, अगर वो क्लीन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो फिल्टर आरएच कवर में होता है वो तो नया डालना है, जो नीचे ड्रेन बोल्ट में से फिल्टर जो निकलता है, 3 ड्रेन बोल्ट होते हैं आरी में, 3 ड्रेन बोल्ट खोलने ही खोलने हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मेन ड्रेन बोल्ट खोल दिया और बाइक में से ऑयल निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों के तीनों खोलिएगा, कम से कम आधे लीटर का फर्क पड़ता है ऑयल का, या शायद उससे भी ज्यादा पड़ता है। तो
तीनों ड्रेन बोल्ट खोलिए और जो नीचे ड्रेन बोल्ट में फिल्टर होता है वो भी चेंज कीजिए, चेंज नहीं तो क्लीन ज़रूर कीजिए। वैसे तो वो नीचे वाला ऑयल फिल्टर नहीं मिलता, क्लीनिंग से ही हो जाता है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो क्लीन करके लगाइए। तो ये तो होगी रिगार्डिंग ऑयल की बात। दूसरी पॉइंट जो हमारी ट्यूनिंग बिगड़ती है इंजन की, वो दो चीज़ों की वजह से बिगड़ती है, पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा हमारा फ्यूल जो आता है जहाँ से, जो मिक्सचर आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक का मेन वही होता है कि जो इग्निशियल कॉइल से वायर्स आ रही हैं और प्लग क्लीनिंग ये वो, तो ये सब कराइए। इग्निशन कॉइल से जो वायर आ रही हैं प्लग्स पे और जो वो अडैप्टर होते हैं उनको चेक करवा लीजिए एक बार, टैंक खोल के वो चेक होगा, वो करना ही करना है हर सर्विस में अगर आपको बढ़िया ट्यूनिंग चाहिए तो। अगर इसको मैं देखूँ आप हर सर्विस पे नहीं कराना चाहते तो एटलीस्ट 7,000 किलोमीटर तक, 5 से 7,000 किलोमीटर पे ये काम आपको करना ही करना है। मैं तो यही बोलूंगा कि हर सर्विस पे कराइए, लेकिन अगर नहीं करवाना, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो 5 से 7,000 किलोमीटर पे करवाइए ही करवाइए। ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं कार्बोरेटर पे। कार्बोरेटर आरी का 5 से 7,000 किलोमीटर पे एक बार क्लीन होना ही होना है। मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने बोला कि मैकेनिक ने बोला है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मत करवाओ, ये गलत है गाइस। जितनी भी कंटेमिनेशन, जो हमारी एयर फिल्टर कभी हम कितना लंबा चला देते हैं, चोक हो जाता है, मिट्टी अंदर आती है, प्लस जहाँ से अंदर जा रही होती है इंजन में, जो हमारे इनलेट वॉल्स हैं उन वहाँ पर जो ब्लास्ट हो रहा होता है, तो वहाँ से भी कंटेमिनेशन थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का हल्का लगता है कार्बोरेटर पे। अगर आप कार्बोरेटर खोलोगे तो उसको उसके वहाँ पर वो जमा पड़ा होगा सारा, तो वो क्लीन करना है हमको। बेसिकली मोटिव यही है कि कार्बोरेटर की क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि खुद से मत कीजिएगा, जिसको नॉलेज नहीं है कार्बोरेटर ना खोले, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो बाइक बंद हो जाएगी। एक मेरी शायद कार्बोरेटर की वीडियो पे कमेंट भी आया हुआ है, उन्होंने साफ किया और बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो भाई कुछ रह गया होगा इस वजह से वो स्टार्ट नहीं हुई। अगर बाइक पहले ओके थी तो उसके बाद भी ओके ही होनी चाहिए, इसका मतलब कोई गड़बड़ हुई है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, खुद से ना कीजिए, कोई अच्छे मैकेनिक के पास जाइए, आराम से कार्बोरेटर क्लीन करवाइए, जेट वेट साफ कराइए पूरा अच्छे से। होता क्या है, जो कंटेमिनेशन होती है बीच में हमारी स्लाइड होती है, पूरा इफेक्ट स्लाइड के ऊपर जाता है, जो मेन जिसने मेन काम करना है, जिसने जेट खोलना है मेन जेट, तो अगर वही सही नहीं होगा तो ट्यूनिंग ऑब्वियसली बिगड़ेगी। वो जितने भी कंटेमिनेशन है वो स्लाइड काट देती है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि कार्बोरेटर क्लीन करवाना ही करवाना है 5 से 7,000 किलोमीटर में। और जो इलेक्ट्रॉनिक का आपको बताया वो वायर चेकिंग ये सब प्लग क्लीनिंग, ये 5 से 7,000 किलोमीटर पे कराना ही कराना। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हमेशा कभी भी आप खोलते हैं ये हमेशा पेट्रोल से क्लीन होना चाहिए। पेट्रोल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल जैसे ही वो सब कुछ अंदर साफ करेगा उसके बाद उड़ जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं रहता। कैरोसिन डीजल से नहीं करना, पेट्रोल से क्लीन करना है। जो भी आपका फिल्टर का पार्ट है, फिल्टर को छोड़ के, जो हमारा पेपर फिल्टर आता है, हमारी आरी में पेपर एलिमेंट आता है, कईयों में फोम वाला आता है, तो वो हमें फिल्टर नया डालना है। और फिल्टर पूरा अच्छे से जितना भी वो पार्ट है वो हमको क्लीन करना ही करना है। तो दोस्तों फिल्टर की क्लीनिंग हो गई, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारी पूरी बाइक की ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ब्रेक्स में, लीवर्स में, केबल्स में और चेन में। चेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। चेन में मैं आपको बता देता हूँ कि इतना महंगा ल्यूब ल्यूब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पुराना ऑयल जो आपकी बाइक में से निकलता है 1 लीटर लेके रख लीजिए, हर 500 किलोमीटर के बाद बूंद बूंद डालते रहिए, अपना अच्छे से चेन गीली रहेगी और कुछ भी नहीं होगा। जितनी भी ये प्रॉब्लम आती है ना आरी में, अब तो खैर डिस्क वाली बाइक्स आ गई हैं तो वो चीज़ कम हो गई है, जितनी भी पुरानी बाइक्स आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें ब्रेक शू है तो उसमें ये दिक्कत आती ही आती है। देख चून का चेन सेट है और चेन अकड़ती है तो फिर वो तोड़ देती है। तो चेन हर 500 किलोमीटर में डाल दीजिए अच्छे से गीली करके। लोगों को ये पसंद नहीं आता कि उनकी बाइक जो है वो गंदी हो जाती है। कपड़ा मार लीजिए गाइस, अगर आपको अच्छा चीप एंड बेस्ट बता रहा हूँ, पुराने वाले से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। ल्यूब तो है बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। आप हर 500 किलोमीटर पे जब आप ऑयलिंग करेंगे ना वो अपने आप चल के क्लीन हो जाती है, तो चेन क्लीन भी रहेगी और ल्यूब भी रहेगी। तो
ये सब करना बहुत जरूरी है, ऑयलिंग। और एक चीज गाइस, कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको नहीं बताएगा, कोई इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देता जब तक प्रॉब्लम ना आ जाए। कभी भी सर्विस पे हमेशा हमें याद रखिए गाइस, सर्विस पे हमेशा हमें रियर व्हील खोलना है और उसके कपलिंग और ब्रेक शू दोनों चेक करने हैं। कपलिंग और ब्रेक शू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभार प्ले आ जाती है तो झटका लगना स्टार्ट हो जाता है चेन सेट पे, तो उसकी वजह से भी चेन सेट के जो दांते होते हैं, रियर जो स्पॉकेट होता है वो टूट जाते हैं। दूसरी चीज, ब्रेक शू जो है वो हार्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आपकी बाइक चलती है, ब्रेक शू ने गाइस ओवर हीटिंग होती है तो वो हार्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी सर्विस हो तो ब्रेक शू के ऊपर एक बार जो एमरी पेपर है उससे क्लीनिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि वो जो हल्का फुल्का हीट हुआ हुआ पार्ट है वो हट जाए। और उससे क्या होगा कि आपका जो देगचून वाला पार्ट है, जो हमारा स्पॉकेट है, वो अंदर से नहीं कटेगा और ब्रेक शू की भी लाइफ बढ़ जाती है। तो गाइज ये सब चीजें जो हैं ये मेन मेन हैं, इनका इनको फॉलो कीजिए। कोई मैकेनिक नहीं की करता तो उसको बोलिए कि भाई ये तू कर, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, नहीं तो आजकल तो बस बिजनेस बना रखा है, बस कस्टमर आएगा अपना फटाफट ऑयल चेंज किया, फिल्टर विल्टर झाड़ा और बस बंद किया, वैसे ही चलो भाई जाओ और सर्विस हो गई, तेल वेल डाल दिया थोड़ा सा बस, मतलब कोई दिल से काम करना चाहता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, लोगों ने सिर्फ बिजनेस बना रखा है, जितना आप दिल से काम करेंगे उतना आप बढ़िया काम करेंगे। तो गाइस इसके रिगार्डिंग ये जो मेंटेनेंस मैंने आपको बताई है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हुई थी, लेकिन एक बार रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए सर्विस में, इसके बिना तो सर्विस है ही नहीं, अधूरी है। अगर कोई नहीं करता तो इसके बिना तो सर्विस अधूरी है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी पहले मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, वो मैंने आई बटन में डाल दिया, आप वहां से देख लीजिएगा उन वीडियोस को भी, वो बहुत ज्यादा डिटेल में है। ये तो छोटी वीडियो में बना रहा हूँ मेन मेन चीजों की, वो कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में, अगर उनको आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भाई आगे से ध्यान रखिए, अपनी बाइक की सर्विस ढंग से करवाइए। ऐसे ही अगर बेसिक चीजें आप ध्यान रखेंगे, मैकेनिक नहीं रखता आप रखिए, तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे ही मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डाला है कि जितनी आप सर्विस बेटर कराएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बाइक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, अलविदा, बाय बाय।